ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट कल के होमवर्क को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से एक बार। ठीक है ना, क्या कह रहा कल का होमवर्क एक बार, कि भाई हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो सबको पता है थवरचंद गहलोत। गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो थवरचंद गहलोत हो जाएंगे, थवरचंद गहलोत गवर्नर हो जाएंगे। सीएम कौन है? सबको पता है बसवराज बोमाई। ठीक है ना, बसवराज बोमाई। और ये जो जो मैं होमवर्क में क्या करता हूँ कभी कभी, मैं आपके कॉमेंट से देखता हूँ। ठीक है ना, मतलब लिखने के तो मैं भी लिख सकता हूँ, पर मैं आपके कमेंट देखता हूँ कि किस पर्सन ने होमवर्क को कितना अच्छे से कर रखा है। ठीक है ना, एक नितेश करके शायद कोई सर है, एक नितेश करके है। ठीक है ना, एक और बंदा था, दो का नाम मेरे को याद था अभी। ठीक है ना, तो उन्होंने बहुत मतलब अच्छे तरीके से, जो मैं जो लिखवा रहा हूँ ना आगे, जो एस्टेब्लिश 1956 जो है, ये उन्होंने ही लिखा है। तो उनका ही होमवर्क जो है ना, कमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, तो एस्टेब्लिश जो है 1956 में हुआ था, याद रखना। पर उस टाइम पर ये क्या था बेटा, याद है ना, मैसूर था। मैसूर से 1973 में, 1963 में ये क्या बना दिया हमने, कर्नाटक बना दिया। तो याद रखना, कर्नाटक जो है स्टार्टिंग में जब भारत के नक्शे पर आया था, जब कर्नाटक नहीं था, ये मैसूर था। 1973 में हमने इसका नाम क्या कर दिया, कर्नाटक कर दिया। ठीक है, अच्छा, रानी झांसी की समुद्री जो है ना बात करें, तो रानी झांसी, ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको याद रहना। तजाकिस्तान की जो राष्ट्रपति हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे इमोली रहमोन हो जाएंगे, करंसी सोमानी हो जाएगी, और कैपिटल दुशांबे है। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगी, दुशांबे हो जाएगी। 1965 में पहली बार जो आपको याद होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, पहली बार 1965 में। आपकी बार जो है वो 57वां नंबर का दिया गया, वो किसका दिया गया, तो वो दामोदर मौजो को मिला है ना, दामोदर, दामोदर याद रखना बेटा, दामोदर मौजो। ठीक है ना, इनको मिला है, पहली बार मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप साहब को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। इस साल वाला जो मिला था वो मिला है किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, देन इसके बाद बात की इथियोपिया की करेंसी और कैपिटल बिर और अडिस अबाबा हो जाएगी। उत्तराखंड का टिहरी बांध याद रखना जरा, आजकल आपका एग्जामिनर थोड़ा सा एक हाईएस्ट लेवल पे थोड़ा सा और बढ़ गया आगे। वो ये पूछता है कि सर उत्तराखंड जो है, अभी शायद पूछा गया था कि राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पता नहीं कहीं पूछा गया था, राजस्थान का एक पेपर था उसके अंदर, कि जो उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है वो किन दो नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना, किन दो नदियों पे, तो जितने भी सारे लोगों ने भागीरथी पढ़ रखा था, भागीरथी के साथ साथ बेटा आपको याद है बिलंगना रिवर के ऊपर। ठीक है ना, कुछ 44 किलोमीटर के आसपास ये भागीरथी नदी के ऊपर है, और कुछ 25 किलोमीटर के आसपास जो है ये आपका बिलंगना नदी के ऊपर है। ठीक है, तो याद रखना भागीरथी और बिलंगना दोनों नदी की नदियों के ऊपर आपका दुनिया तो नहीं कह सकते, देश का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, नागालैंड में मनाया जाता है। सीएम सबको पता नेफ्यू रियो हो जाएंगे, गवर्नर सबको पता जगदीश मुखी हो जाएंगे। ठीक है, रोलांगेरा किसको कहा जाता है, तो याद है बेटा रोलांगेरा जो है वो फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फ्रेंच ओपन को रोलांगेरा कहा जाता है, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1891 में स्टार्टिंग हुई थी। याद रखना, ये कौन सी मिट्टी के ऊपर खेला जाता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, क्ले कोर्ट, मिट्टी के ऊपर खेला जाने वाला, ये आपका ग्रैंड स्लैम हो जाएगा। मेल वाला स्पेन के राफेल नडाल ने जीता था इस साल का, और पोलैंड की एगा स्वाइटिक ने जीता था। फीमेल वाला जो फ्रेंच ओपन है 2022 एडिशन, उसके मैं बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, डबल वॉइस आ रही है, अरे कुछ किया गया, डबल वॉइस आ रही है, उसको ठीक करो। वो दो नीचे नीचे वाला भी ओपन कर रखा है, ऊपर वाला भी ओपन कर रखा है, तो चेंज किया था क्या अभी, इधर वो चलिए हम बताइए जरा आप सही है। निधि सिंह सर यूपी पुलिस के लिए क्लास ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, हर एक एग्जाम के लिए आपकी क्लास है। अभी तो धमाका हमने किया है यूपी लेखपाल के अंदर, मेरे पास टाइम नहीं लग रहा, कल वाली क्लास में मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा यूपी लेखपाल का और अपनी क्लास का, बिल्कुल एग्जैक्ट, चिंता मत करो। अगर आप सही है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए। ठीक है,
ठीक है, वो एक कहावत है हरियाणा में कि काणी का ब्याम रहूंगा सांग भाई, ठीक है ना। एक लड़की है, उसकी एक आंख नहीं है, वो काणी है, काणी बोलते हैं उसको। तो उसको उसकी जैसे शादी करवाई जा रही है, पर कुछ ना कुछ अड़चने आ आई रही हैं, तो वो वाली हरकत हो रखी है, काणी का ब्याम रहूंगा सांग। चलो आगे बात करते हैं, भारत ने पंचवर्षीय योजना को कहां से अपनाया था? तो याद ना बेटा, यूएसएसआर से अपनाया था। यूएसएसआर से हमने जो है पंचवर्षीय योजनाओं का जो है, ठीक है ना, 12 पंचवर्षीय योजना आई है, याद रखना। 1951 से 56 जो है वो पहली थी, और लास्ट वाली जो थी वो याद रखना 2012 से 2017 के बीच में थी हमारी 12वीं, 12th, 5-year प्लान, ठीक है ना। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? तो याद रखना पहली बार 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में हुआ था, तीसरी बार 2016 में हुआ था। यहां पर हमने 500 रुपए के नोट को बंद किया था, यहां पर हमने सॉरी, यहां पर अगर बात करें तो हमने 500 रुपए तो उस टाइम पे था ही नहीं, यहां पर तो बड़े बड़े चल रहे थे। यहां पर जो है हमने 5,000 और 10,000 रुपए के नोट, यहां भी भारत में 10,000 रुपए तक के नोट चलते थे, उनको बंद किया था। और यहां पर बेटा हमने 500 और 1,000 रुपए को बंद किया था, ठीक है ना, याद रखना जरा। सांची सपूत जो है वो तीसरी सदी में बना हुआ था, 1989 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया था, याद रखना 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। और 200 रुपए के पीछे जो है वो किसकी अगर बात करते इमेज साथ ही स्तूपा की है, तो याद है ना कहां पर ये हो जाएगा आपका, आपका और यहां पर लिख देना कहां पर हो जाएगा सर, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? तो अबू धाबी में हो जाएगा, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं, आप सब लोगों को जुड़ जाना तेजस के साथ में, ठीक है ना। आपको 9119 जो है आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। एनरोलमेंट चार्ज जो है आपको कोड यूज करना पड़ेगा IF60, ठीक है। लाइव क्लासेस हो जाएंगी, पीडीएफ नोट्स, स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको एक पेड कोर्स के अंदर, जो आपकी तमाम चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो जब आप पैसा देते हो, सारी की सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि सर वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस जो है वो हम सब कब मनाते हैं, बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस जो है वो हम सब कब मनाते हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप सब लोग, ठीक है। क्या करें भाई, 30 मिनट्स हो गए, तो बताओ जरा, जो चीजें हैं उससे हम भाग तो नहीं सकते ना, बताइए, जो चीजें हैं उससे तो हम भाग नहीं सकते ना। अब अफसोस मनाने के बजाय ये है कि जो 30 मिनट है उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, तो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपको याद है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा 16th of October, पहली बार जो है, पहली बार बनाया गया था, याद है ना बेटा, पहली बार बनाया गया था 1979 में पहली बार, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। पहले हम इसकी थीम के बारे में बात कर रहे थे, पहले हम इसकी थीम के बारे में बात कर रहे थे 2022 की, तो थीम लिखिए बेटा, थीम 2022 की याद रखना बेटा, ग्रो नोरिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, आर आवर फ्यूचर, याद रखना जरा। थीम आपको हमेशा ऐसा है कि इंग्लिश में ही याद करनी पड़े, जो हिंदी वाले हैं कहीं बोले कि सर ठीक है सर डेली की पीडीएफ दिया करो, अजय कश्यप भाई रोज मिलती है, ठीक है ना। तो ग्रो नोरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, ये आपकी क्या हो जाएगी, इस साल की विश्व खाद्य दिवस की थीम हो जाएगी, इतना सा आपको याद रखना है। इस साल की 2022 की विश्व खाद्य की क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी, इतना सा आपको याद रखना है।
ठीक है ना। बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर हो जाएगा बेटा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, याद रखना जरा। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा बेटा, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा कहां पर, रोम में हो जाएगा हेडक्वार्टर। और जो हेड है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन हो जाएंगे बेटा, तो वो हो जाएंगे क्यू डोंग। ठीक है, तो क्यू डोंग यू जो है वो क्या हो जाएंगे बेसिकली अगर बात करें तो, वो प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यू डोंग यू प्रमुख हो जाएंगे, इतना सा आपको याद रखना है। लगभग लगभग याद रखना 99% जो कुपोषित कुपोषित जिनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, वो विकासशील देश में, याद रखते हैं, विकासशील देशों में है, विकासशील देशों में है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, याद रखना। और जिसमें 99 में 60% जो है वो क्या है, याद रखना, महिलाएं हैं। 60% क्या है, महिलाएं हैं, याद रखना इतना सा। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसकी स्टार्टिंग 1961 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, रोम में देखने को मिलेगा बेटा। कहां पर देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, रोम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, कितने होते हैं याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के बारे में बात करता हूं। तो ये टोटल कितने हैं, 17 है, ये कुल कितने हैं याद रखना, 17 है टोटल, 17 है जो 2030 तक हमें फुल करना है। इसका जो उसका जो जो बेसिकली अगर बात करें तो एम है, एम जो दूसरा लक्ष्य जो है, दूसरा एम जो है वो क्या है, वो हो जाएगा जीरो हंगर। ठीक है ना, जीरो हंगर याद रखना, जीरो हंगर इसका दूसरा लक्ष्य हो जाएगा, दूसरा गोल हो जाएगा। और याद रखना भाई, भारत की रैंकिंग जो है, जिसको सरकार ने नकार दिया है, नकारने से क्या होता है, 107वीं रैंकिंग रही है भूखमरी सूचकांक में। भूखमरी पिछली बार 101 थी, अब की बार भूखमरी सूचकांक के अंदर जो है वो भारत की रैंकिंग, अगर बात करें भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही है बेटा, याद रखना, भारत की रैंकिंग रही है 107वें नंबर पर, 107वें नंबर पर भारत की रैंकिंग रही है। टोटल 17 है, हाँ बिल्कुल सही, टोटल 17 है। ठीक है सर, आप थीम एक बार चेक कर लीजिए, क्यों क्या होगा थीम के अंदर, सॉरी थीम के अंदर क्या हो गया बताना जरा मुझे एक बार, थीम के अंदर क्या हो गया बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थीम के अंदर क्या हो, बताओ मेरे को क्या इशू है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस गरीबी खत्म करने का, तो वो आपको पता होना चाहिए बेटा, हम बनाते हैं 17th of October को, 17th of October को। इसके बारे में बात कर लेते हैं, थीम के बारे में बात करें, थीम इसकी थीम के बारे में बात करें, थीम 2022 की क्या हो जाएगी, तो इसकी थीम हो जाएगी डिग्निटी फॉर ऑल, फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, ये 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, 30वीं वर्षगांठ, तो याद रखना जरा, 1992 में ये पहली बार मनाया गया था, पहली बार 1992 में क्या बनाया गया था, पहली बार बनाया गया था, याद रखना जरा। ठीक है ना, बहुआयामी मल्टी डायमेंशन जो है पावर्टी इंडेक्स MPI, मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा, याद रखना, MPI एक इंडेक्स हो जाएगा, याद रखना, बहुआयामी सूचकांक, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया, याद रखना। इसमें सबसे कम गरीबी जो है कहां पर है, तो सबसे कम कहां पर है, केरल में है, याद रखना। और सबसे ज्यादा गरीबी बात करें, सबसे ज्यादा गरीबी जो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, याद रखना बेटा, बिहार में देखने को मिलेगी, किसमें, बिहार के अंदर देखने को मिलेगी, इतना सा आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि सर 2011 से 2019 अगर बात की, बिल्कुल सही, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भैया 2011 से 2019 उसके बाद तो कोविड आ गया था, याद रखना जरा, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 12.3% लोग गरीबी से बाहर आए थे, गरीबी से बाहर आए थे, पर अब पता नहीं, ठीक है ना,
अब पता नहीं कोविड के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जो सरकार ने बंद कर दी है, ठीक है ना, कि भैया इनको जारी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए थे मैंने, जो 17 बताए थे याद रखना, ठीक है ना, 17 जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए थे उसमें आपका गोल 1 ही है, नो पावर्टी। गोल पहला ही गोल है क्या हो जाएगा, नो पावर्टी, याद रखना जरा, नो पावर्टी जो है वो क्या हो जाएगा, पहला ही गोल हो जाएगा नो पावर्टी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने पहली बार किस भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की, जल्दी से बताइए जरा, ठीक है। बिहार में रहकर भी प्राउड फील नहीं होता, क्यों नहीं होता, होना चाहिए, ये कौन सी बात होती है, ठीक है ना, ये कौन सी बात होती है, जहां जिस जगह से आप बिलोंग करते हो बिल्कुल प्राउड, अच्छी और बुरी चीजें सब जगह होती है, जहां अच्छी होती है वहां बुरी भी चीजें होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तब तक मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख देता हूं, जैसे कि CBSE के बारे में बताइए, CBSE, ठीक है, क्योंकि मेडिकल से संबंधित है तो बताइए, ICMR, एम्स के बारे में बताइए, एम्स और UGC, जो ये चार कुछ संस्थान हैं जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड या जो MBBS से रिलेटेड जो है इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, बिल्कुल सही, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, याद रखना। और पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, पहला राज्य जो हिंदी में MBBS करेगा, हिंदी में डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, हिंदी में MBBS करवाएगा, याद रखना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में जो है ये इवेंट हुआ था, जहां पर इसको लॉन्च किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ये आपका इवेंट हुआ था, तो याद रखना। पहला राज्य है जो क्या करेगा, जो MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, इतना सबको याद है रखना है, ठीक है। हम बात कर लेते CBSE की, तो CBSE जिसकी स्थापना 1929 में हुई, 1929 में स्थापना हुई, पर इस बोर्ड को दोबारा बनाया गया कब, 1962 के अंदर, 1962 में, याद रखना बेटा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर सर हमें देखने को मिलेगा कहां पर, न्यू दिल्ली में हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और इसकी हेड जो हो जाएंगी सर, वो कौन हो जाएंगे, निधि छिब्बर जो है इसी क्या हो जाएंगी, हेड हो जाएंगी निधि छिब्बर। सबको पता है क्या हो जाएगा, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सबको पता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जल्दी से बता दीजिए मुझे ICMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बिल्कुल सही, 1929 में आया था CBSE, पर इसको दोबारा से बनाकर, दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया 1962 के अंदर, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, DLS कॉम्बो भाई, पहले थोड़ा सा एक बार जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आता हूं चीजों पे। आप इस क्लास के लास्ट में जो लिंक होता है ना, उस वहां पर भी जो है ना आप डाल देना इसको, ठीक है ना, इस अपने कमेंट्स को याद रखना। ICMR जिसको 1911 में स्थापित किया गया था, पर 1949 में इसको फिर से, जब आजाद हुआ तो फिर से इसको रिफॉर्म कर दिया गया, नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको पहले ICMR को पहले जो है आपको याद रखना, पहले बोलते थे इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRF ही बोला जाता था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बट 1949 में जब हम आजाद हुए, 47 में हम आजाद हुए थे, 2 साल के बाद में इसको हमने क्या कर दिया, ICMR कर दिया, ठीक है ना, याद रखना जरा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर, न्यू दिल्ली में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर भी। और अभी हाल ही में कौन, याद रखना बेटा, राजीव बहल जो है वो ICMR के हेड चुने गए हैं, राजीव बहल ICMR के क्या चुने गए हैं, हेड चुने गए हैं, याद रखना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। एम्स के बारे में बात करें तो एम्स, याद है ना, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, एम्स दिल्ली की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाए बेटा, थोड़ी सी स्पीड आज ज्यादा हो सकती है, पर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप सब लोग, न्यू दिल्ली में हो जाएंगे। और एम श्रीनिवास कौन हो जाएंगे बेटा, डॉक्टर एम श्रीनिवास जो है वो हेड चुने गए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जाएगा बेटा, UGC, ठीक है ना। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ हो जाएगा सर, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कोई बताएगा UGC के हेड कौन है, क्या कोई बताएगा मुझे UGC के हेड कौन हो जाएंगे, बतेरा UGC के हेड कौन हो जाएंगे, जल्दी से बतेरा।
यूजीसी के हेड कौन हो जाएंगे? राहुल किस लिए सॉरी बोल रहे हो, क्या हो गया सर? एपर क्लास नहीं होगी क्या? शिवांशु मिश्रा भाई, एपर कोई दिक्कत हो रही होगी शायद, इसलिए नहीं हो पा रही होगी, वरना एपर क्लास चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एम जगदीश कुमार कौन हो जाएंगे? एम जगदीश कुमार, ठीक है लाड लो, एम जगदीश कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर में 9वें आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? मतलब 9वीं आयुर्वेद वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो बतीजा किस राज्य में होने वाला है? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही, गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है, गोवा आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बेटा, गोवा के अंदर होगा, याद रखना। तो गोवा के अंदर, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी सर? पणजी हो जाएगी। पणजी जो मांडवी नदी किनारे, मांडवी बोल दीजिए या मंडोवी बोल दीजिए, जो भी आपको बोलना है, मंडोवी नदी किनारे बसी हुई है, याद रखना जरा। पणजी जो है वहां पर डोबोलिम, डोबोलिम जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? डोबोलिम एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, डोबोलिम एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट का क्या नाम हो जाएगा? डोबोलिम एयरपोर्ट हो जाएगा, याद रखना। सीएम कौन हो जाएंगे? तो सीएम हो जाएंगे सर प्रमोद सावंत। मुझे फटाफट गवर्नर बता दीजिए, प्रमोद सावंत जो है वो क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए गोवा के गवर्नर कौन है, गोवा के गवर्नर कौन है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट एक बार, ठीक है? हाँ, अब बात कर लेते हैं कि गोवा कहां कहां न्यूज में रहा। आप सबको पता होगा बेटा जीएसटी के लिए, जीएसटी का एक अगर बात करें, जीएसटी म्यूजियम बोल सकते हो, जीएसटी म्यूजियम जिसका नाम हो जाएगा धरोहर, धरोहर वो गोवा में, धरोहर म्यूजियम गोवा में एस्टैब्लिश किया गया है, याद रखना जरा। नंदा सरोवर, नंदा सरोवर एक जगह है, याद रखना, गोवा में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हाल ही में रामसर साइट चुना गया है, रामसर स्थल, रामसर स्थल। तो आपसे डायरेक्टली पूछे के बता रहा, नंदा सरोवर को हाल ही में रामसर स्थल चुना गया है, किस राज्य में वो बिलोंग करता है, किस राज्य से है? तो याद रखना कहां पर हो जाएगा आपका नंदा सरोवर, रामसर स्थल गोवा में हो जाएगा, याद रखना। 100% हर घर जल प्रमाणित राज्य, हर घर जल प्रमाणित, प्रमाणित राज्य कौन सा हो जाएगा, याद रखना। राज्य हर जल, हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना बेटा गोवा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा गोवा ने ही कहा है कि भैया वो 100% जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेगा, कहां पर? हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, याद रखना। लोअर एजुकेशन में प्राइमरी स्तर के ऊपर किसने कहा था? तो एजुकेशन, ठीक है ना, प्राइमरी स्तर पे कौन करेगा बताइए ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कौन से राज्य ने कहा कि वो प्राइमरी स्तर के ऊपर एनईपी लागू करेगा। हायर के ऊपर कौन करेगा? हायर के ऊपर कौन करेगा? तो हायर के ऊपर करेगा गोवा, ठीक है? इतना आपको याद रखना है, हर घर जल प्रमाणित राज्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ, पी श्रीधरन पिल्लई, बिल्कुल सही, पी श्रीधरन पिल्लई, याद रखना बेटा, पी श्रीधरन पिल्लई, धरन पिल्लई जो है, याद रखना, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके गवर्नर हो जाएंगे, पी श्रीधरन पिल्लई, ये क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे गोवा के, ठीक है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड ने कहा कि प्राइमरी लेवल के ऊपर हायर, सॉरी, प्राइमरी लेवल के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे। गोवा ने कहा कि सर हम हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे, याद रखना जरा। इसके अलावा आपको याद रखना है बीच विजल एप्लीकेशन, अभी आपकी बीच विजल एप्लीकेशन जो है वो आपकी जारी की गई है गोवा ने, याद रखना जरा बीच, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है ODF और बिजली प्लस, है ना, ODF ओपन डेफिसिट प्लस, ODF, ठीक है ना, ऑफिस ओपन डेफिसिट फ्री, इसको बोलते खुले में शौच मुक्त, और प्लस अगर बात के ODF प्लस बिजली हासिल करने वाला, प्लस बिजली, जहां पर हर घर में बिजली है, बिजली वाला देश का पहला गांव वाला, देश का पहला राज्य, देश का पहला, देश का पहला राज्य जहां ODF है और बिजली भी है दोनों अगर बात करें तो, इतना सा आपको याद रखना है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य, रेबीज मुक्त राज्य याद रखना जरा, रेबीज मुक्त राज्य आपको याद रखना है,
ठीक है ना। अभी हाल ही में अगर बात करें, अभी हाल ही में जो है वो श्रीलंका नौसेना ने जो है ना गोवा शिपयार्ड के साथ में समझौता किया है। गोवा शिपयार्ड जहां पर वो क्या बनाते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, तो श्रीलंका नौसेना, श्रीलंका नौसेना ने ना क्या किया है, एमओयू साइन किया। क्या किया भैया, एमओयू साइन किया किसके साथ में, गोवा शिपयार्ड के साथ में, गोवा शिपयार्ड के साथ में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बतेरा, किस देश की नौसेना ने हाल ही में गोवा शिपयार्ड के साथ में समझौता किया है। तो बोला गया सर नौसेना निकोसी, सर श्रीलंका की नौसेना ने, श्रीलंका की नौसेना ने, याद रखना श्रीलंका की नौसेना ने, याद रखना। 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है, 30 मई को क्या मनाया जाता है, गोवा दिवस मनाया जाता है, गोवा दिवस याद रखना 30 मई को मनाया जाता है, 30 मई को गोवा दिवस बनाया जाता है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। बेसिकली एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है एक बेसिकली अगर बात करें तो एक्सरसाइज जो है वो की थी, इसका नाम हो जाएगा बेटा, जिसका नाम हो जाएगा उस एक्सरसाइज का आपको नाम याद रखना है बेटा, क्या हो जाएगा, नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, नेशनल लेवल पॉल्यूशन, नेशनल लेवल पॉल्यूशन ये 8वीं एक्सरसाइज थी, नेशनल लेवल पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सरसाइज याद रखना, NATPOLREX, नेशनल पॉल्यूशन रिलैक्स याद रखना, नेशनल पॉल्यूशन रिलैक्स एक्सरसाइज 8वीं, ये कहां पर हुई याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड ने करवाई, कहां पर हुई याद रखना सर, गोवा में हुई, कहां पर हुई, गोवा में हुई। आपको दिखाई दे रहा नहीं है तो हाँ ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहां तक आपको किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइए, मैं हो जाता साइड में, ठीक है ना। इसके अलावा आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी गोवा के अंदर है, कोई आपसे पूछे, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं राष्ट्रीय समुद्री, राष्ट्रीय समुद्री ओशियनोग्राफी बोलते हैं उसको याद रखना, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी याद रखना जरा, ये भी कहां पर, गोवा में। इसके अलावा, इसके अलावा गोवा में क्या हुआ भैया, 52वां इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। इसके अलावा 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ, याद रखना जरा, ठीक है ना। बोंडोरम, बोंडोरम त्यौहार मनाया जाता है, बोंडोरम, बोंडोरम त्यौहार, सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, साओ जाओ महोत्सव, साओ जाओ महोत्सव, साओ जाओ महोत्सव, ये तीनों महोत्सव कहां बनाए गए, गोवा में बनाए गए, याद रखना जरा। मारिया केला, ठीक है ना, खाजे, खोला और हरमल मिर्च, और हरमल मिर्च, इन सबको क्या मिला, इन सबको हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, इन सबको हाल ही में क्या मिला, जीआई टैग मिला है, याद रखना जरा, इनको क्या मिला, जीआई टैग मिला, ठीक है। हाँ लाडली लक्ष्मी योजना गोवा की नहीं है ऋतिक वर्मा, लाडली लक्ष्मी योजना गोवा की नहीं है, मध्य प्रदेश की हो जाएगी। देखो बेटा याद रखना, गोवा, गोवा दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, कहीं गड़बड़ कर लो, बोले सर रवि सर ने करवाया था, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा आजाद हुआ था 1961 के अंदर, याद रखना। ऑपरेशन, ऑपरेशन अगर बात करें तो आपका विजय, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा दिवस अगर बात करें तो 30 मई, जिसको हमने 25वां राज्य बनाया था भारत का, ठीक है। रिपीट कर दूं, चलो एक बार मैं साइड होकर आराम से रिपीट कर देता हूं, क्या बोला गया सर, 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी हायर एजुकेशन पर, किसने कहा, गोवा ने कहा। बीच विजिल एप्लीकेशन किसकी है सर, गोवा की है, ODF खुले में शौच मुक्त प्लस में बिजली वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, रेबीज मुक्त राज्य बन जाएगा गोवा। श्रीलंका नौसेना ने साइन किया, एमओयू किया किसके साथ में, एमओयू किया किसके साथ में, गोवा शिपयार्ड के साथ में, गोवा शिपयार्ड के साथ में, ठीक है ना। 30 मई को गोवा दिवस और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन रिलैक्स अगर बात करते एक्सरसाइज 8वीं किसने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने की, कहां पर, गोवा में की, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जिसको बोलते हैं ओशनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहां हो जाएगा, आपको याद रखना, अनुसंधान पूछे जाते हैं,
ठीक है, गोवा में हो जाएगा। नंदा सरोवर को रामसर स्थल चुना गया है। जीएसटी म्यूजियम धरोहर लॉन्च किया गया। 100% हर घर जल प्रमाणित जिला पहला राज्य बन जाएगा। सीएम प्रमोद सावंत हो जाएंगे। डोबोली में एयरपोर्ट हो जाएगा। मांडवी नदी किनारे पणजी बसा हुआ है। श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हो जाएंगे। मारिया केला खाजे खोला और हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। बोंडोरम सिग्मो सावो जाओ महोत्सव मनाए जाते हैं। इसके अलावा 52वां इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमेशा गोवा में होता है, याद रखना इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है। और बात करें तो ठीक है ना, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान वाला 7वां जो है वो भी कहां होगा, आपका गोवा में होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला, कौन सा देश 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो बताइए ना, 90th इंटरनल जनरल असेंबली कहां पर कहां पर हेल्ड की जाएगी, कहां पर कौन सा जो है देश इसको करने वाला है, बताओ जरा फटाफट एक बार जल्दी जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, भारत हो जाएगा बेटा, याद रखना भारत हो जाएगा। अभी भारत जल्दी से दे, अभी भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना था, मैंने आपको करवाया था, बताओ जरा फटाफट। इंटरपोल से रिलेटेड 2022 में एक ही खबर है बस, बताइए भारत जो है वो कौन सा देश बना था जिसने बाल यौन शोषण, इंटरपोल का बाल यौन शोषण जो क्लब है उसको ज्वाइन किया था। इंटरपोल जिसकी स्थापना 1923 के अंदर हुई, हेडक्वार्टर जो है आपको लियोन के अंदर मिल जाएगा। लियोन कहां पर है, फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएगा, लियोन फ्रांस के अंदर मिल जाएगा। हेड जो है डायरेक्टर जनरल अगर बात के तो वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखना बेटा वो हो जाएंगे आपके अहमद नसार अल रईसी। ये दुबई, याद रखना बेटा ये कहां के, यूएई के हैं, कहां के, यूएई के हैं, दुबई पुलिस के डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जल्दी से बताइए भारत कौन से नंबर पे, बिल्कुल से सिर्फ और सिर्फ ऋतिक, नहीं राहुल सर वो कुवैत के हैं, हैथराम अलग और वो ओपेक के हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल से ऋतिक सर का बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा और किसी का आंसर आया नहीं है ना, सर पूछते रहो हमें क्या करना है ना, यही वाली बात है ना। 68वां देश बन गया, 68वां देश बना है, याद रखना 68वां देश बना है भारत जो इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस, ठीक है ना, डेटाबेस में शामिल हुआ, याद रखना। तो इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला भारत, याद रखना कौन सा देश बन जाएगा, 68वां देश बन जाएगा, इतना सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? ये एल्यूमिनियम फ्रेट रेक जो है वो बेसिकली आपका पूरी तरीके से एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसमें जो है वो ग्रीन, कहने का मतलब ये है कि ये आपके एनवायरमेंट से संबंधित हो जाएगा। यहां पर जो कार्बन उत्सर्जन है, जो कार्बन जो एमिशन है वो बहुत कम हो जाएगा और ये भारत के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना बेटा कहां पर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो है यहां पर ही आपको देख जाएगा। और केंद्रीय रेल मंत्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन हो जाएंगे आपके, अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे केंद्रीय रेल मंत्री, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया, बताइए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, कहां पर, IARI में। अब देखो दो होते हैं बेटा, एक होता IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक होता ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो पेरेंट बॉडी हो जाएगी इस इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना। IARI अलग होता है और ICAR अलग होता है, ठीक है, बिल्कुल हाँ। 180 टन निर्मित कह सकते हो बेसिकली, भुवनेश्वर उड़ीसा में 180 टन निर्मित भारत, बिल्कुल कह सकते हो स्वदेशी में, ठीक है ना। कितना कर सकता है, कितना अमाउंट अगर बात करें तो बिल्कुल लिख सकते 180 टन जो है, ठीक है ना। ठीक है, तीन भारतीय कंपनियां जिसमें हिल्डो जो आपको याद रखना, जो आपको जरूर इंपोर्टेंट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्या कौन हो जाएंगे भैया, नरेंद्र मोदी हो जाए, कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, बात कर लेते हैं IARI है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं और देन फिर उसके बारे में बात करेंगे ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना।
एल्यूमिनियम का किस लिए बनाया गया है मुझे पता है, किस लिए बनाया गया बताओ जरा, मैं भी देखूं जरा। पर्यावरण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसने कह दिया सम्राट भाई? हाँ, पर्यावरण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहां से हो जाएंगे? ठीक है ना, लिखिए जरा। तो IARI के बारे में बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जब हम बात करेंगे, और ICER के बारे में बात करेंगे। चलिए IARI के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना बेटा याद रहा 1905 में हुई थी। 1905 में हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, न्यू दिल्ली में हो जाएगा, और हेड हो जाएंगे अशोक कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह जो है वो हेड हो जाएंगे। इतना सा आपको याद रखना, हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ICER के बारे में बात करें तो याद रहा 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक इसके हेड हो जाएंगे। और भाई इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? न्यू दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है। जल्दी से तो पर्यावरण मिनिस्टर कौन हो जाएंगे भूपेंद्र? जल्दी से बताओ फटाफट। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? तो इसको बोलते हैं आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो आपके आगे जाकर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश का मतलब होता है ऐसी जगह बैंक की आपकी जो है ना, क्या खोलना बैंक की अगर बात करें तो ब्रांच या शाखाएं खोलना, जहां पर नहीं है उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। थैंक यू सर। तो यहां पर आपको याद आना कितना 75 जो है बैंकिंग जो है वो क्या खोली रही है, याद आना बैंकिंग शाखाएं खोली 75 अगर बात है, कितनी 75 जो बैंकिंग। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, ये साहब कहां कहां रहे आज? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या उद्घाटन किया याद है ना? वर्ल्ड डेयरी फॉर्म का, ठीक है ना, विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन किया याद है ना, विश्व डेयरी समिट, ठीक है ना, जो कहां पर हुई थी तो याद रखना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हुई थी, याद रखना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा लिखना चाहो जो भी है। इसके अलावा, इसके अलावा खेलो, खेलो इंडिया नहीं सॉरी, राष्ट्रीय खेल है ना, नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल, इसका उद्घाटन किया राष्ट्रीय खेलों का। राष्ट्रीय खेलों का कहां पर हुए? तो गुजरात में हुए, याद रखना गुजरात में हुए। इसके अलावा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स जो है, एम्स जो है बिलासपुर में, बिलासपुर एम्स, बिलासपुर कहां पर हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। याद रखना फोर्थ वंदे भारत ट्रेन, क्या किसी को पता है चौथी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? चौथी वंदे भारत रेल जो है वो कहां से कहां तक चलेगी? फोर्थ वंदे भारत ट्रेन, जल्दी दीजिए, फोर्थ वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चलेगी, जल्दी से बताइए सब लोग फटाफट। भाई ऐसा है, क्लास जो है ना 7:20 पे स्टार्ट हुई थी, टेक्निकल इश्यू से मुझे नहीं पता, बस 2 मिनट के बाद मैं क्लास कर दूंगा, इस तब तक उसमें उसकी लगवा दो, एप्लीकेशन क्लास लगा दो 38 में। फोर्थ वंदे भारत ट्रेन जल्दी से बताइए, फोर्थ वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली, जल्दी से बताओ बेटा। मैं बता देता हूं, एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है याद है ना, अब अदोरा, अब अदोरा से लेकर नई दिल्ली, अब अदोरा से लेकर नई दिल्ली के बीच में चली, अब अदोरा से लेकर नई दिल्ली के बीच में, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चंडीगढ़ नहीं, अब अदोरा से लेकर नई दिल्ली के बीच में चली है। हाँ, चंबा के अंदर जो है, चंबा के अंदर दो हाइड्रो, चंबा के अंदर दो हाइड्रो प्रोजेक्ट, दो हाइड्रो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए। इसके अलावा, इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक चीज और यार, मैं जल्दी जल्दी मैं भूल रहा हूं, इसके अलावा हाँ, उज्जैन के अंदर उज्जैन महाकाल परिसर, उज्जैन महाकाल परिसर, तो ये भाई यहां पर जो है ना आजकल न्यूज में रहे हैं,
ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। चलो अगली वाली क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं उनको एक बार बता देता हूं एक बार जल्दी जल्दी से। गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया, याद रखना। तो इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने, इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने उद्घाटन किया है, ठीक है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं ना तो संघर्ष छोटे नहीं होने चाहिए। अगर आपको वर्दी पहननी है, वर्दी हर किसी को नहीं मिलने वाली है, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो सिंपल सी बात, आपका संघर्ष भी बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो तेजस के साथ आप जुड़ सकते हो, फटाफट बात करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 15 राज्यों के अंदर जो है वो लीड्स, ये आपको मुझे होमवर्क बता देना, लीड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। एक जो है ना लीड्स, आप पे एक इंडेक्स आता है, इस लीड्स में ए का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको 2018 में हमने जारी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय सेना ने कितने बैंकों के साथ में, तो 11 बैंकों के साथ में अग्निवीरों के लिए क्या किया है, आपका एमओयू साइन किया है। अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए 11 बैंकों के साथ में एमओयू साइन किया है भारतीय सेना ने। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन, सौरभ गांगुली बनाए गए हैं, ठीक है ना। स्वालोक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में, तो याद रखना कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अपूर्वा श्रीवास्तव। अपूर्वा श्रीवास्तव जो है वो आपको याद रखना है, किसके, स्लोवाकिया के, जिसकी राजधानी ब्रैटिस्लावा है, आपको याद होना चाहिए, और यूरो उसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। बंडारू विल्सन अगर बात के तो मेडागास्कर के, आदर्श सिवाका अगर बात के तो, अगर बात करें तो बेसिकली उसके कुवैत के हो जाएंगे ये अवतार सिंह, और ये हो जाएंगे गिनी के, ठीक है ना। बेंगलुरु स्थित थिंक पैक पब्लिक अफेयर्स जो है, बेसिकली याद है ना बेटा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, याद है ना PAI, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा, तो कौन टॉप पर रहा, तो हरियाणा टॉप पर रहा, याद रखना है। और लास्ट में किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वो किया गया है, तो आपको याद रखना है वो हैदराबाद ने किया है, ठीक है ना। तो चलिए ये था आपका सेशन, ठीक है ना। फंगपुई उद्यान कहां पर है, अमरावती थर्मल प्लांट, ADB के हेड मुंगेर हवाई अड्डा, ठीक है ना। निकोसिया किस देश की राजधानी है, सोम। विश्व फोटोग्राफी किनन स्टेडियम कहां हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबर बैंड, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच, रेड क्लिफ और गुड़ावी, ये कहां पर हो जाएंगे। तो ये था आपका सेशन, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। जल्दी से एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नहीं किया है, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं। जनरल साइंस की अगली क्लास लेकर, और आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग आज कंक्लूड करेंगे, फिर हम एक्सक्रेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग एस के यादव, मंगी लाल, अंगूरी माधुरी, कृष्णा, तरुण, विवेक, गौरी, गुणी, एस के यादव, माधुरी पांडे जी। चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। महेंद्र, रोहित, बार कमेंट थोड़ा उसको जूम कर दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, फिर हम लोग लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जब बात करते हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कैसा होता है, ध्यान से चित्र आप थोड़ा सा समझिएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ऐसे, और यहां से फिर ऐसे हमारा स्टार्ट होता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे फिनस होता है, फिर हमारा क्या यहां पर होता है क्या, हमारा एनस होता है। इस तरह से क्यों क्या होता है, हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, इस प्रकार से, ठीक है। यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और यह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये नॉर्मल आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो याद रखिएगा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, पहले लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज कैसे काम करता है इसमें, फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो देखिए पैनक्रियाज कैसे मदद करता है पाचन में, डाइजेशन में, यह आपको समझना है। तो जब हम अग्नाशय की बात करते हैं, तो अग्नाशय के बारे में दो चार पॉइंट पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात अग्नाशय के बारे में कि ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का, यानी हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, पैनक्रियाज। दूसरी बात याद रखिएगा, ये सेकंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, यानी सेकंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या, ये दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, है ना। इसके बाद की बात करते हैं, मतलब आप हिंदी में लिख लीजिए इसे, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, हिंदी में देखो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, ये सब इसे तो आप हिंदी में खुद भी लिख सकते हो, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि या दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना। और ये दूसरा सबसे बड़ा अंग, दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, आंतरिक अंग है। अब याद रखिएगा, जब पैनक्रियास की बात करते हैं, इस पैनक्रियास के बारे में याद रखिएगा, वनली हेक्टोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर का, वनली हेक्टोक्राइन, या फिर जैसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, वनली हेक्टोक्राइन, या फिर इसी को कहते हैं वनली मिक्स्ड ग्लैंड हमारे शरीर का, यानी कि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव साथ साथ करता है, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन साथ साथ करता है, ठीक है। छोटी आंत में क्या बच गया था संदीप, बताना थोड़ा। हम लोगों ने इलियम कर ही लिया था, है ना, इलियम तक तो हम लोगों ने कर लिया था ना, डुडेनम, अच्छा नहीं नहीं हुआ था, यस यस यस, कोई नहीं, अभी हम उसे करवाते हैं, संदीप करवा देंगे उसे, जो हमारा जुजेनम और इलियम बचा हुआ है उसको हम अभी करेंगे, चिंता मत करिए। पहले आप पैनक्रियाज के बारे में लिख लीजिए, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, उसके बाद हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाकी दो पार्ट हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाजी नम्रता जी, करवा देंगे उसे अभी, है ना, पहले आप इसे समझो।
डुडेनम में पैनक्रियास से क्या मिला, पैनक्रियाटिक जूस मिल रहा था, लीवर से बाइल जूस मिल रहा था, है ना, और गॉल ब्लैडर का क्या काम है उसे देखते हैं, फिर हम लोग जुजेनम एंड इलियम की भी चर्चा करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या होता है, ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर का, दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। उसे भी करवाएंगे, उसे भी करवाएंगे, जुजेनम एलियम भी कराएंगे त्रिदीप सी, पहले आप इतना लिखो फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है। हाँ, वो करवाएंगे अभी, उसको भी करवाएंगे, चिंता मत करिए आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है, आगे चलें। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक लिख लिया सभी ने, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो पानक्रियास, ये करता क्या है, पानक्रियास पाचन में कैसे मदद करता है, तो इसी में लिखना, ये पानक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, ये पानक्रियाटिक जूस या फिर जिसे हम कहते हैं अग्नाशयी रस, क्या बोलते हैं, जिसे अग्नाशयी रस का स्राव करता है या अग्नाशयी रस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। और जब अग्नाशयी रस का सिक्रेशन करता है, अग्नाशयी रस की अगर बात करें तो याद रखिएगा पानक्रियाटिक जूस के बारे में, जो पानक्रियाटिक जूस है, पानक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस हम जिसे कहते हैं, पानक्रियाटिक जूस के बारे में याद रखिएगा का पीएच मान, इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 7.5 से 8.3 के बीच होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच होता है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन करता है, ठीक है, प्रोटीन तीनों का पाचन करता है। कैसे तीनों का पाचन करता है, तो याद रखिएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम